हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित जैन और एम एग्जाम अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए क्राइम एंड क्रिमिनल से रिलेटेड 40+ वर्ड्स की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम पार्ट वन में 10 वर्ड्स कवर करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना न भूलिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास पहला वर्ड है ट्रीजन। ट्रीजन जो कि एक नाम की तरह से यूज होता है, इसका मतलब होता है राजद्रोह। इसका मीनिंग है, ट्रीजन इज द क्राइम ऑफ शोइंग नो लॉयल्टी टू योर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल बाय हेल्पिंग इट्स एनिमीज और बाय ट्राइंग टू रिमूव इट्स गवर्नमेंट यूजिंग वायलेंस। मतलब एक अपने देश के प्रति ईमानदार न होना और अपने देश की गवर्नमेंट सरकार को वायलेंस तरीके से गिराना। तो इस प्रकार का जो क्राइम होता है वो ट्रीजन कहलाता है। और आपको हाल ही में पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक राजद्रोह का अभियोग पत्र जारी हुआ है, और इसी को हम ट्रीजन बोलते हैं, इस प्रकार के क्राइम को। तो इसका यूजेज है, एक यूजेज दिया हुआ है मैंने एग्जांपल में, परवेज मुशर्रफ सेंटेंस टू डेथ इन हाई ट्रीजन केस बाई पाकिस्तान कोर्ट। परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी सुनाई गई है ट्रीजन राजद्रोह के केस में पाकिस्तान कोर्ट के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, किडनैपिंग। किडनैपिंग एक नाम की तरह वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है अपहरण, और जो किडनैपिंग करने वाला होता है उसको बोलते हैं किडनैपर। तो इसका मीनिंग, इसका अर्थ है, द क्राइम ऑफ किडनैपिंग इज द एबडक्शन ऑफ अ पर्सन ऑफ एनी एज विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग द पर्सन फॉर रैंसम और फॉर सम अदर पर्पज। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो रैंसम वर्ड आया है, ये रैंसम वर्ड जो आया है वो इसका मतलब होता है फिरौती। जब द क्राइम ऑफ किडनैपिंग एबडक्शन, एबडक्शन मतलब होता है बहला फुसलाकर किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी एज का हो, इंटेंशन इरादे के साथ में, फिरौती के लिए इरादे के साथ में, उसके अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को या बच्चे को अगवा करना या बहला फुसलाकर उसको अपहरण कर लेना, उसको किडनैपिंग बोला जाता है। और इसका यूजेस है, न्यूज़पेपर कैरी डेली रिपोर्ट्स ऑफ किडनैपिंग मर्डर एंड लूट्स। न्यूज़पेपर में आजकल आपको किडनैपिंग मर्डर और लूट की खबरें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो अगला नेक्स्ट वर्ड है मैन स्लॉटर। मैन स्लॉटर एक नाउन की तरह से यूज होता है, जिसका मतलब होता है मानव हत्या। इसका मीनिंग होता है, अर्थ है इसका, मीन मैन स्लॉटर इज द अनलॉफुल किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग विदाउट मेलिशियस इंटेंट। मतलब बिना किसी देश भावना के अनलॉफुली तरीके से मानव की हत्या करना, उसको मानवों की हत्या करना उसको बोला जाता है मैन स्लॉटर। जैसे कि इसका यूजेज है, द कलिंग वार विटनेस्ड टेरिबल मैन स्लॉटर एंड डिस्ट्रक्शन। जो कलिंग वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें भयानक तरीके से मानव हत्या हुई थी और ध्वंस हुआ था, नाश हुआ था काफी ज्यादा। तो इसको मैन स्लॉटर को इस सेंटेंस में इस तरीके से यूज किया हुआ है, नाउन की तरीके से, कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है, और ये नाउन को, मैनस्लॉटर और डिस्ट्रक्शन को। अगला है क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध या दोष, इसको नाउन की तरह से यूज किया जाता है, इसका नाउन की तरह से यूज किया जाता है। इसका ये कहाँ से लिया गया, ये फ्रॉम लैटिन क्रिमेन, क्रिमिनेन किसे लिया गया है, जिसका मतलब होता है चार्ज, इंडिक्टमेंट, ऑफेंस। और किसी पे इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी पे कलंक या अभियोग पत्र लगाना, ठीक है। ऑफेंस का मतलब भी ये नेगेटिव सेंस में होता है, इसका मतलब होता है अपराध, आक्रमण, अभद्रता। तो इसका क्राइम का मतलब होता है, एक क्राइम इज एन इलीगल एक्शन और एक्टिविटी
फोर विच अ पर्सन कैन बी पनिश्ड बाय लॉ, एक अपराध जो अपराध या दोष लीगल एक्शन या एक्टिविटी होती है जिसको कि एक नियम विच अ पर्सन कैन बी पनिश्ड बाय लॉ, और जो एक नियम के अनुसार उसको लॉ के कानून के तहत उसको दोषी ठहराया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे एक लेडीज है जो कि इलीगल तरीके से एक बर्ड्स के ऊपर वाटर डाल रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक इलीगल एक्ट है और इसके तहत इसको कानूनी तौर से इसको सजा भी मिल सकती है। तो इसका यूजेज है वी ऑल जंप बैक इनटू द कार एंड रेस्ट अवे फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम, मतलब हम कार के अंदर में कूदे एंड रेस्ट अवे, वहां से भाग गए, जो क्राइम जो अपराध हुआ था सीन था वहां से हम वहां से निकल लिए। नेक्स्ट वर्ड है आर्सन। आर्सन का मतलब होता है आगजनी, ये नाउन की तरह से यूज किया जाता है, और जो इसमें जो आग लगाता है या इसमें को डूअर जो होता है उसको आर्सोनिस्ट बोला जाता है। जैसे कि इंटेंसली डैमेजिंग अ बिल्डिंग विद फायर और एक्सप्लोसिव, मतलब इंटेंशन तरीके से, मतलब एक डैमेज करना एक बिल्डिंग को और विद फायर और एक्सप्लोसिव, आग से या किसी विस्फोटक पदार्थ से किसी की बिल्डिंग या बिल्डिंग को डैमेज करना या उसमें आग लगा देना, तो इसको आर्सन बोला जाता है, और इसको जो आग लगाता है उसको आर्सोनिस्ट बोला जाता है। अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे जिसमें एक घर को जलाया गया हुआ है, जला दिया गया है, तो ये आर्सन है। इसका यूजेज दिया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू, अराउंड 90,000 चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाई स्कूल आर्सन ईच ईयर, प्रत्येक साल में 90,000 बच्चे होते हैं वो आर्सन जो आगजनी के दौरान अफेक्ट प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोर्जरी। फोर्जरी ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह इसे यूज होता है, इसका हिंदी में धोखाधड़ी या जालसाजी बोला जाता है इसका, और मीनिंग है इसका द क्रिएशन ऑफ अ फॉल्स रिटन डॉक्यूमेंट सिग्नेचर बैंक नोट्स और एल्ट्रेशन ऑफ ए जेन्यून वन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, मतलब फ्रॉड डिफ्रॉड करने के लिए अगर हम किसी के डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर को या बैंक नोट को एल्टर कर लेते हैं, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पर्पस के लिए डिफ्रॉड करने के लिए हम किसी के साथ धोखाधड़ी या जालसाजी करते हैं, तो इस प्रकार के क्राइम को हम फोर्जरी बोलते हैं। जैसे कि यूजेज इसका दिया हुआ है इन केस ऑफ ए फोर्जरी द लोकल अथॉरिटी मस्ट बी इमिडिएटली इन्फॉर्म, मतलब इन केस फोर्जरी या जालसाजी या धोखाधड़ी के केस में आपको जल्दी से जल्दी लोकल अथॉरिटी जो होती है उसको इमिडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है मगिंग। मगिंग का मतलब होता है डकैती या लुटेरा, तो इसको नाउन की तरह से यूज किया जाता है, और जो इसको डकैती को देता है जो अंजाम देता है उसको बोलता है मगर। तो इसका मीनिंग होता है हिंदी में इसका मीनिंग है अटैकिंग समवन विद अ प्लान टू रॉब देम, मतलब किसी पे अटैक करना प्लान के साथ उनको लूटने के लिए, तो इस प्रकार के क्राइम को हम मगिंग बोलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक लुटेरा है जिसने एक प्लान के साथ में अटैक किया है, किस पे, कार पे, और वहां से कुछ लूटने की रॉब करने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रकार के क्राइम को हम मगिंग बोलते हैं। जैसे कि यूजर्स में इसका दिया हुआ एग्जांपल दे दिया है इन अ रिसेंट इंसिडेंट इवन अ पिज्जा डिलीवरी मैन वाज मग्ड, मतलब हाल ही में इंसिडेंट इवन ए पिज्जा डिलीवरी मैन था उसको भी लूटा गया, तो इस प्रकार की एक्टिविटी को, इस प्रकार के क्राइम को हम मगिंग बोलते हैं जहां पे प्लान के तहत कोई रॉब के एक्टिविटी को अंजाम दिया जाए। नेक्स्ट वर्ड है लास्टनी। इसको नाउन की तरह से यूज किया था, इसका मतलब होता है चोरी। द फेलोनियस टेकिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ द पर्सनल गुड्स ऑफ एनदर विद इंटेंट टू कन्वर्ट देम टू द टेकर्स यूज, मतलब किसी के दूसरे के पर्सनल गुड्स को, सामान को, किसी की वस्तु को एक फोर्सफुली के तरह फोर्सफुली थ्रेट धमका कर किसी को लूटना, किसी की वस्तु को, पर्सनल सामान को लूटना और उसको हानि पहुंचाना, इस प्रकार की चोरी को हम लार्सनी बोलते हैं। लार्सनी बोलते हैं जिसको हिंदी में चोरी बोला जाता है, इस प्रकार के क्राइम को जिसमें धमका कर किसी को लूटा जाता है किसी के पर्सनल सामान को। इसका यूजेज हिंदी इसका यूजेज दिया हुआ है एग्जाम्पल में ऑफिसर गोल्ड स्टीन डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस टेल्स मी दैट
दिस रॉबरी इज ग्रैंड लार्सनी, मतलब ऑफिसर गोल्ड स्टीन डिपार्टमेंट जो पुलिस के थे उन्होंने हमें बताया कि जो रॉबरी लूटी हुई वो बहुत बड़ी चोरी थी। तो इस प्रकार के क्राइम को हम लार्सनी बोलते हैं जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड है फेलनी, ये एक नाउन की तरह से यूज होता है, इसका मतलब होता है घोर अपराध। जब आप आर्सन और आर्सन मैन स्लॉटर रॉबरी इस तरीके से कई ज्यादा क्राइम करते हो, कई सारे क्राइम एक साथ करते हो, तो ये एक घोर अपराध के तौर में घोर अपराध माना जाता है फेलनी। जब आप कई सारे एक्ट एक साथ क्राइम एक साथ करते हो तो इसको फेलनी बोला जाता है। जैसे कि एक क्राइम रिगार्डेड इन द यूएस एंड मैनी अदर जुडिशियल सिस्टम एज मोर सीरियस देन ए मिसडेमिनर। मिसडेमिनर मतलब आप एक तरीके से खराब आचरण आपका अपराध, और ये एक सीरियस क्राइम है एक जुडिशियल सिस्टम के तहत, और सीरियस क्राइम दैट कैन बी पनिश्ड बाई वन और मोर ईयर्स इन प्रिजन। और इस तरह के अगर क्राइम में आपको एक से अधिक साल की भी जेल हो सकती है तो ये घोर अपराध माना जाता है, जिसमें कई सारे आप एक साथ क्राइम करते हो, मर्डर के केस में और फिर आपको रॉबरी की और आपने एक साथ किसी का रेप किया, तो इस प्रकार के सारे एक्टिविटी के साथ एक साथ जो चार्ज लगते हैं आपके ऊपर वो सारे फेलनी के अंडर में आते हैं और इसको घोर अपराध बोला जाता है। यूजेस, इसका यूजेस दिया हुआ है, इफ ही कन्विक्टेड ऑन द फेलनी चार्ज सो ही कुड लॉस हिज राइट टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर वह कन्विक्टेड दोषी पाया जाता है फेलनी चार्ज के समय तो उसको राइट टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट, तो उसको छोड़ना पड़ सकता है वह काम यूनाइटेड स्टेट में। एस्पियनेज, एस्पियनेज का मतलब होता है नाउन, ये जासूसी, इसको जासूस के और गुप्तचर नाम के हिंदी में बोला जाता है, इसको जासूसी गुप्तचर। इसका मीनिंग एस्पियनेज इज द एक्टिविटी ऑफ फिंडिंग आउट द पॉलिटिकल मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सीक्रेट ऑफ योर एनिमीज और रिवाइवल बाय यूजिंग स्पाइस। मतलब जासूसी या गुप्तचरी करना, किसी की फंडिंग प्राप्त करना पॉलिटिकल राजनीतिक और मिलिट्री और इंडस्ट्री औद्योगिक और सुरक्षा से संबंधित किसी भी सीक्रेट को चुराना जासूसी तरीके से स्पाइस के द्वारा, तो इस तरीके से की क्राइम एस्पियोनेज कहलाया जाता है, इसको जासूसी या गुप्तचर बोलते हैं एस्पियोनेज। और इसका यूजेस है द स्कैंडल ऑफ इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज वाज बैड एनफ। जो स्कैंडल हुआ था इंडस्ट्री औद्योगिक जासूसी का वो बहुत बुरा था। नेक्स्ट वर्ड है पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार या गर्म पानी में तलना या पकाना। इसका दो तरीके से यूज होता है, एक नाउन नाउन वर्ब की तरह से, नाउन दो तरीके से यूज होता है। नाउन इफ समवन पोचेस फिश एनिमल और बर्ड्स दे इलीगली कैच देम ऑन समवन एल्स प्रॉपर्टी। अगर कोई शिकार करता है, अवैध शिकार करता है उसका मछलियों का, पक्षियों का, पशुओं का इलीगली तरीके से किसी की दूसरी प्रॉपर्टी में, तो इस प्रकार के क्राइम को हम पोचिंग बोलते हैं। और वर्ब की तरह में ऐसे यूज होता है, इफ यू पोच फूड सच ए फिश यू कुक इट जेंटली इन बॉइलिंग वाटर मिल्क और अदर लिक्विड। जब आप मछली अंडों को वाटर में, मिल्क में, दूध में पालते हैं तो ये वर्ब की तरह से यूज होता है। और मैंने दो तरीके से यूज दिया हुआ है, मैनी वाइल्ड लाइफ पार्क आर रेगुलरली इन्वेडेड बाई पीपल पोचिंग गेम। तो वाइल्ड लाइफ पार्क जो रेगुलरली इन्वेडेड बाई पोचिंग गेम, जो वाइल्ड लाइफ पार्क में ज्यादातर अवैध शिकार किया जाता है। पोच द चिकन अंटिल जस्ट कुक्ड, मतलब चिकन को जब तक पकाना जब तक कि वो गर्म पानी में तलना जब तक कि वो पकना जाए। नेक्स्ट वर्ड वेंडलिज्म, वेंडलिज्म का मतलब होता है बर्बरता या तोड़फोड़ करना, एक नाउन की तरह से यूज होता है। डेस्ट्रॉइंग प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे मूर्ति है इसको तोड़ दिया गया, दीवार वॉल है इसको भी पिक्चर के द्वारा कलाकृतियां बना के इसको खराब किया जा रहा है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी को, क्राइम को वेंडलिज्म बोलते हैं। इसको बर्बरता या तोड़फोड़ करना। यूजेस, इसका दिया हुआ द फॉरेस्ट इज नाउ प्रोटेक्टेड एज ए नेशनल रिजर्व अगेंस्ट वेंडलिज्म एंड कमर्शियलिज्म। तो फॉरेस्ट अब प्रोटेक्ट किया जा चुका है रिजर्व अगेंस्ट वेंडल बर्बरता तोड़फोड़ के अगेंस्ट खिलाफ में इसको नेशनल को प्रोटेक्ट किया गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।